कैसे हैं आप लोग और कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? आई होप अच्छा जा रहा होगा, लेकिन अब और भी अच्छा जाने वाला है क्योंकि मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिप पे। यस, हम जा रहे हैं एलोरा की केव्स में, जो कि है औरंगाबाद में और ये महाराष्ट्र स्टेट में आता है। तो गाइस प्लीज ज्वाइन मी एंड एंजॉय द ट्रिप। सफर पुणे से स्टार्ट किया। पुणे से एलोरा केव्स का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 260 किलोमीटर्स है और हमें पहुंचने में 5 से 6 घंटे का टाइम लग गया। हालांकि सफ़र थोड़ा लंबा था, लेकिन अगर साथ में कंपनी अच्छी हो, फ्रेंड्स और फैमिली हो तो कोई भी सफ़र लंबा नहीं लगता। आप देखो रास्ता कितना ब्यूटीफुल है, सुबह का टाइम है, इतनी ग्रीनरी है और कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो हमने रास्ते में बहुत इंजॉय किया और रास्ता कब कट गया हमें पता ही नहीं चला। की बात सुनावानी तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भुल जावानी। और फाइनली हम पहुंच गए एलोरा की केव्स। वो आपको सामने जो हिल्स दिख रहे हैं ना, वही है एलोरा की केव्स। तो बस हम पहुंचने वाले हैं और ये हम पहुंच गए हैं और ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री करते हैं और टिकट भी यहीं से मिलता है। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं टिकट के, ओनली 30 रुपीज़ पर पर्सन। और ये हैं क्यूटी नॉटी मंकीज़। आप प्लीज़ जब भी जाओ ना तो इनके लिए कुछ ना कुछ खाने को लेके जाओ, क्योंकि ये वेट करते हैं कि जो भी यहाँ पर आए इन्हें कुछ ना कुछ खाने को दे। और ये हमने अंदर एंट्री कर ली है। ये जो मेन केव है एलोरा की, उसके बाहर का है एरिया। और ये अभी हम केव के अंदर आ गए हैं। और जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, ये बहुत ही स्पेशल सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये सीढ़ियाँ आपको नीचे से ऊपर लेके जाती हैं और यही आपको ऊपर से नीचे लेके भी आती हैं। वेरी बैड जोक ना, एनीवेज आ गया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, वाओ। और ये अंदर के मेन केव के अंदर का शिवलिंग है। काफी अंधेरा रहता है यहाँ पर। बाहर की दीवारों पे जो चित्रकारी हुई है, आई एम रियली अमेज्ड कि इतनी पुराने टाइम में ये सब करना कितना मुश्किल रहा होगा। आजकल तो बहुत ईजी है, लेकिन उस टाइम पर रियली बहुत मुश्किल होगा। मेन केव से बाहर आ गए हैं और वो जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, वो सब हमें चढ़ के जानी है। कुछ केव्स हमने देख ली हैं और अभी कुछ देखनी बाकी है, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। धूप भी है तो थोड़ी गर्मी भी लग रही है। आई होप कि हम सारी केव्स देख पाते, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे साथ दो छोटे नॉटी क्यूटी बच्चे भी हैं, दक्षु और वंशु। तो अभी कुछ केव्स देखेंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे। और ये पास में एक पार्क है जहाँ पे अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और भूख भी लग गई है, इसलिए टाइम है पेट पूजा का। और ये है हमारी फैमिली पिकनिक। खाना खा के और रेस्ट करके हम लोग वहाँ से निकल गए हैं अब। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए इसको और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और प्लीज़ शेयर करिए सबके साथ और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाइए एलोरा की केव्स और एंजॉय करिए। बाय। कानों में एक दिल की बात सुनावानी।